नमस्कार, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल सूर्य एजुकेशन हेल्प लिस्ट में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई काउंसलिंग के बारे में, इसके चॉइस फिलिंग के बारे में, आप लोगों का कौन कौन सा कॉलेज है, कौन कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप लोग को इस वीडियो में समझ में आएगा। और एक बात और बोलना चाहते हैं, आप लोग को बैकग्राउंड से आप लोग को हो सकता है कुछ डिस्टर्बेंस आप लोग को हो सकता है यहाँ, क्योंकि छठ पूजा के कारण यहाँ पर सॉन्ग बज है जिसकी वजह से आप लोगों को डिस्टर्ब हो सकता है। तो उस पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। आप लोग किस तरह से क्या करना है, कॉलेज कौन कौन सा है, सारी जानकारी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी। सीटों की संख्या कितनी है, ये सारी जानकारी आप लोगों को पहले भी दी जा चुकी है और इस वीडियो में भी दी जाएगी। तो चलिए हम आगे बताते हैं। तो इस चैनल को सबसे पहले आप लोग आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए हम आगे बताते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को बता दें कि आप लोगों का ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल आप लोगों को ओपन हो चुका है। आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं। आपने खुद अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना नहीं पड़ता है। आप लोग को रजिस्ट्रेशन जो कि रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना, सबसे पहले तो ही हम आप लोगों को बता देते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ आइएगा तो आप लोग को देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस खुल कर आगे आ जाएगा। इसके जब ऑफिशियल वेबसाइट पर आइएगा था उसके बाद फिर आप लोग देखिए इस तरह से इधर आइएगा, इधर आप लोगों को आईटीआई कैट का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप लोगों को सिंपली क्लिक करना रहेगा। जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा आप लोग आईटीआई कैट के जो ऑफिशियल मेन्यू है उसमें ओपन हो जाएगा। उसके बाद फिर यहां पर देख सकते हैं फर्स्ट में ही दिया गया है ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ आईटीआई कैट 2021, इस पर आप लोगों को सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा ये ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरह से ओपन होकर आएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है आईटीआई कैट धुरकीस, यहाँ पर कब से कब तक आप लोग का डेट है, सारी जानकारी आप लोग पहले भी देख चुके हैं वही यहाँ पर दिया गया है। सेकेंड में आप लोगों को सीट मैट्रिक्स और आईटीआई कैट यानी कितने सीटों की संख्या है, सारी जानकारी दी गई है। तीसरे के बारे में आगे हम बात करेंगे, इंस्टीट्यूट लिस्ट ऑफ आईटीआई कैट धुरकीस यहाँ पर दी गई है। तो ऐसे भी चीज़ों के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो चलिए उससे पहले आप लोग ये बता दें, यहाँ पर फिर नीचे आइएगा अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ देख पाएंगे रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर आईटीआई कैट 2021, नीचे आप लोग इस तरह का इंटरफेस या ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोग क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा एक नया इंटरफेस खुलकर आप लोगों को सामने आ जाएगा। इसमें आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। सबसे पहले आप लोगों को सिलेक्ट स्ट्रीम, यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्ट स्ट्रीम का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप लोग क्लिक करना है। सिंपली जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा यहाँ पर आईटीआई एडमिशन काउंसलिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आप लोगों को फिर नीचे देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को यूजीसी आईडी या रोल नंबर जो भी आप लोग का मिला है वो आप लोग को यहाँ पर फिलअप कर देना है। आप लोग का एडमिट कार्ड में जो आईटीआई कैट का एडमिट कार्ड है उसमें रोल नंबर होगा, फिलअप करना है। देन उसके बाद आप लोग को यहाँ पर इंटर पासवर्ड, यहाँ पर आप लोग को एक पासवर्ड फिलअप करना होगा। आप लोग सोच रहे हैं कि पासवर्ड कौन सा फिलअप करना होगा, उससे पहले आप लोग ये बता दें कि आप लोग उससे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पर ओपन करना, वहाँ पर आप लोगों का लॉगिन करना होगा। सबसे पहले आप लोग नीचे आइएगा, नीचे आइएगा तो आप लोगों को न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिएगा ऑनलाइन एडमिशन काउंसलिंग, उसके बाद फिर आप लोग को इस तरह का इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को आई एग्री का एक ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। प्रोसीड का एक ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। देन उसके बाद आप लोग को फिर देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर रोल नंबर फिलअप करना है, एडमिट कार्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर जो आप लोगों को वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया रहेगा वो भी फिलअप करना है। देन आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिलअप कर देना है, सिक्योरिटी कोड आप लोग को नीचे दी गई है उसको आप लोग फिलअप करना है। देन उसके बाद आप लोग को सबमिट करना है, सबमिट करने के बाद उसके बाद आप लोगों का पासवर्ड बनाया जाएगा। उसके बाद फिर आप लोगों को पासवर्ड बनने के बाद आप लोगों को फिर लॉगिन आईडी से भी चीज़ आप लोग को मिल जाएगा, उसके बाद लॉगिन करने के बाद आप लोग फिलअप कर सकते हैं। तो आप लोग तो जान चुके हैं किस तरह से फिलअप करना है। आप लोग बता दें कि मेरे पास कोई भी इसका रोल नंबर या लॉगिन आईडी कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम एग्ज़ाम नहीं दिए, इसलिए अगर आप लोग पास है तो आप लोग अपने खुद से अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए हम आगे बताते हैं कि आप लोग को आगे करना क्या है। तो आप लोग जान चुके हैं किस प्रकार से आप लोग करना है, आसानी से आप लोग कॉलेज लॉ का आराम से कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग ये जानकारी आप लोग महत्वपूर्ण है कि कौन सा कॉलेज कौन सा चूज करना है, किस प्रकार का कॉलेज सही रहेगा, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले आप लोगों को डेट जानते हैं कब से कब तक आप लोग का डेट है, आप लोग वो सब जानते हैं तो उसके बारे में बात करने वाले नहीं हैं। आप लोग सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, सीट मैट्रिक्स फॉर आईटीआई कैट, ये भी महत्वपूर्ण है। आप लोग अप्लाई करने से पहले इस बात को आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस बात को ध्यान में नहीं देते हैं सीट मैट्रिक्स के बारे में। सीट मैट्रिक्स यानी कि टोटल जो सीटों की संख्या है वो कितनी है, किस कॉलेज में कितनी है, सारी जानकारी आप लोग इसमें दी रहती है। और किस डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं, उस कॉलेज में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं,
उस कॉलेज के कितने डिस्ट्रिक्ट में कितने सीट किसके ब्रांच के है, किस ब्रांच के है, ये सारी जानकारी आप लोग दी रहती है। और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अगर इस पर आप लोग ध्यान देकर अप्लाई करते हैं तभी आप लोग का सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत ही होने वाला नहीं है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसको ओपन करने के बाद आप लोग इस तरह से खुलेगा। हम यहाँ पर एक ही पेज का एग्जांपल देकर आप लोग समझाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग को ITI दीघा घाट यानी पटना डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर दिखा रहा है। आप लोग नीचे जाएगा तो और सभी डिस्ट्रिक्ट के दिखाएगा, अपना अपना डिस्ट्रिक्ट का देख लीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों को सबसे पहला जो चीज़ देखना है, यहाँ पर आप लोगों को ये देख लेना है कि आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट में, आप लोगों का जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें आप लोगों को कितने इंस्टीट्यूट है, ये आप लोगों को देख लेना है। सबसे पहला काम यही करना है कि आप लोग जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें कितने कॉलेज हैं, आप लोगों को इंस्टीट्यूट है वो आप लोगों को सबसे पहले देखना है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं पटना में कितने कॉलेज यहाँ पर दी गई है, आप लोग को देख लेना है। दिन उसके बाद आप लोगों को सबसे जो दूसरा काम आप लोग को करना है कि कौन सा कॉलेज में कौन सा ट्रेड है, सारी जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दीघा में आप लोगों को इलेक्ट्रिशियन भी मिल जाता है, फिटर भी मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक भी मिल जाता है, सारी जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा। उसके बाद जो दूसरा काम करना है आप लोग को अपना कैटेगरी पर ध्यान देना है। सबसे पहले तो आप लोग कैटेगरी पर ध्यान देना है, जनरल में आप लोग को जनरल और कैटेगरी, सबसे पहले कैटेगरी उसके बाद जनरल पर ध्यान देना। कैटेगरी जैसे कि आप लोग EBC में आते हैं तो EBC पर ध्यान देना है, जैसे कि आप लोग इलेक्ट्रिशियन में अप्लाई करना चाहते हैं इलेक्ट्रिशियन, ठीक, इलेक्ट्रिशियन देख सकते हैं 21 सीटें हैं नालंदा जिला में, ठीक है। उसके बाद जैसे पटना जिला में, ठीक है, पटना जिला में 21 सीटें हैं। उसके बाद फिर जनरल में देख लेना है 46 सीटें हैं, ये सभी चीज़ें देख लेना है अपना। उसके बाद अपना राउंड नंबर चेक करना है, अपना रैंक कार्ड चेक करना है, उसमें कितना रैंक आया है वो चेक आप लोगों को करना है। उसको चेक करने के बाद आप लोग खुद से पता लगा सकते हैं कि मेरा इलेक्ट्रिशियन में होगा कि नहीं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं 21 सीटें ऐसे है, 46 ऐसे है, तो यानी कि टोटल यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दिया 114, यानी कि आप लोगों का अगर 150 के लगभग अगर आप लोगों का जनरल में है, जनरल कैटेगरी में हम बात कर रहे हैं, अपना कैटेगरी में नहीं है, अगर जनरल कैटेगरी में आप लोग का 150 तक है तो आप लोग को हो जाएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, आप लोग नहीं घबराइए। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं खुद, अगर उससे ज़्यादा है तो हो सकता है आप लोग इलेक्ट्रिशियन नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन में सबसे पहले कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, और अदर में हो सकता है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में हो सकता है, वायरमैन में हो सकता है, इन सभी चीज़ों में नहीं अप्लाई करते हैं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं। इलेक्ट्रिशियन और फिटर में सबसे ज़्यादा अप्लाई होते हैं काउंसलिंग में, तो इस बात को आप लोग ध्यान में, अगर 150 तक है आप लोगों का जिनका कैटेगरी में रैंक तो आप लोग का आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाले, 150 160 तक आप लोगों को कोई दिक्कत होने, और उससे ज़्यादा अगर आप लोगों का जिनका कैटेगरी में है तो उसमें दिक्कत हो सकता है, फर्स्ट नहीं सेकंड नहीं थर्ड राउंड या ऑन स्पॉट राउंड में भी चला जा सकता है अगर इलेक्ट्रिशियन फिटर चाहते हैं। हाँ, लेकिन हाँ आप लोग बता दें कि आप लोग ऑन स्पॉट राउंड तक जाते जाते आप लोग एडमिशन हो जाएगा इलेक्ट्रिशियन या फिटर में, अगर आप लोग 150 या 200 के अंदर हैं तो, 200 के अंदर या 250 के भी अंदर हैं आप लोग लेकिन जनरल में है तो, जनरल में 250 के अंदर है तो आप लोगों को हो जाएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और बात कर लेते हैं इनसे भी जो अदर चीज़ें दी गई है, जैसे कि वायरमैन, टनर, मैचिस्ट, ये सभी चीज़ें में आप लोगों को कोई कितनी भी आप लोगों का क्यों ना आप लोग का रैंक हो उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं, आप लोग को हो ही जाएगा थर्ड मिड लिस्ट या ऑन स्पॉट एडमिशन तक, इन सभी में आप लोग का एडमिशन आराम से मिल जाएगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें कोई भी लेना नहीं चाहता है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण जो कैटेगरी है, फीटर आप लोग चूज कर सकते हैं अगर बढ़िया रैंक है तो, आप लोग जो महत्वपूर्ण है हम बता देते हैं, इलेक्ट्रिशियन फीटर हो गया, ICTCM ये भी महत्वपूर्ण है, इस बात को आप लोग ध्यान में दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ये भी आप लोग चूज कर पाएंगे, ये 4-5 चीज़ें हैं जो आप लोग आराम से चूज कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये सभी चीज़ें बढ़िया ठीक है, तो इस सभी चीज़ों को आप लोग चूज कर पाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, ये आप लोगों के लिए ही बता रहे हैं इतनी मेहनत से, आप लोग ध्यान से दीजिएगा तो आप लोगों को काम देने वाला है। चलिए आगे हम बात करते हैं आप लोग सीटों की संख्या और इन सभी चीज़ों की संख्या देखने के लिए, आप लोग इस पर देख सकते हैं और साथ में पूरे डिटेल में आप लोग सर्च कर एक दिन बाद अप्लाई कीजिए, लेकिन ये सभी चीज़ें आप लोग देख लीजिए उसके बाद ही अप्लाई कीजिए। उसके बाद कॉलेज देख लीजिएगा कौन सा कॉलेज कहाँ है, अपने ज़िले में कितने कॉलेज हैं, अपने ज़िले में ही अप्लाई कर सकते हैं तो कितने कॉलेज हैं, वो सभी चीज़ें आप लोग देख पाएंगे, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए हम आगे बताते हैं, मैंने आप लोगों को अभी सीट मैट्रिक्स दिखाया जो है, यानी कि सीटों की संख्या कौन से कॉलेज में कितने हैं ऐसा जानकारी उसमें मिल जाएगा, आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट में देख लीजिएगा। सबसे पहले आप लोग काम रहेगा कितने कॉलेज हैं, कितने सीटें हैं, कौन से ब्रांच में कितने सीटें, ऐसा जानकारी आप लोग उपलब्ध करा लीजिएगा, कौन सा अप्लाई करना है, और जो महत्वपूर्ण था वो भी आप लोगों को हमने वीडियो में बता दिया। उसके बाद सबसे पहले अगर आप लोग को उसमें पता नहीं चल रहा है तो इंस्टीट्यूट लिस्ट इसमें दी गई है, आप लोग यहाँ पर भी क्लिक करके चेक कर पाएंगे इंस्टीट्यूट लिस्ट इसमें भी चेक क्लिक करके पाएंगे, आप लोग को एक यहाँ पर मिल जाएगा आप लोगों को। लेकिन इसमें आप लोग की क्या दिक्कत है, इंस्टीट्यूट लिस्ट में आप लोग को पूरे
जो बिहार के जितने भी कॉलेज हैं सभी डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज का यहाँ पर लिस्ट मिलेगा, तो इसमें आप लोग का पता ठीक से नहीं चलेगा, क्योंकि आप लोग जब अप्लाई कीजिएगा तो अपने ही डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर पाएंगे, अपने ही कॉलेज के डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करें, और आप लोग सुविधा भी चाहते हैं कि अपने ही डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी जो कॉलेज दी गई है मिला जुला कर आप लोग यहाँ पर दे दिया गया है टोटल कॉलेज इस तरह से। तो इस तरह से आप लोग पता नहीं चलेगा, उसमें सीट मैट्रिक्स में आप लोग सभी चीज़ें आप लोग पता चल जाएगा। और जैसे हमने बताया कि आप लोग एक दिन लेट ही अप्लाई कीजिए, लेकिन आप लोग इस चीज़ों को रिसर्च करके आप लोग कीजिए, आप लोग एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और हाँ, इससे रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग को जवाब दिया जाएगा, आप लोग के लिए मदद किया जाएगा, तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लॉक चॉइस फिलिंग करने के बाद ये सभी चीज़ें आप लोग कर पाएंगे, आराम से कर लीजिएगा अगर अप्लाई करते हैं तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।